हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दो आंसर। एक तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंध पर अरबों ने जो आक्रमण किया था उस आक्रमण के कारण क्या थे। दूसरा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसके प्रभाव क्या पड़े। तो इसलिए अगर आपके एग्ज़ाम में जो भी आपसे पूछा जाए आप लोग उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकें, चाहे आपसे कारण पूछा जाए या प्रभाव। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरह से देना है। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरह से लिखना है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक दशा खराब हो गई थी। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इन राज्यों में एकता का अभाव था, वे आपस में लड़ते रहते थे। केंद्र सत्ता का अभाव था, इसलिए विदेशियों को आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अरब के आक्रमण के समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अरब के मरुस्थल में निवास करने वाले लोगों को अरब कहते हैं। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से पहले अरब लोग भारत से व्यापार करते थे, परंतु मुसलमान बनने के पश्चात उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। इस दिशा में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण प्रमुख है। वह बसर के शासक का भतीजा तथा दामाद था। उसने एक विशाल सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया। अब आपको आक्रमण के कारण अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। तो पहला कारण जो था इस आक्रमण का, वो था धन प्राप्त करने के लिए। अरब के लोग भारत से धन प्राप्त करना चाहते थे। अरब की भूमि उपजाऊ नहीं थी, इसलिए कृषि भी अच्छी नहीं होती थी। फलस्वरूप वे लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं थे। उन्हें व्यापार के दौरान ये जानकारी मिली थी कि भारत एक धनी देश है, इसलिए धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट में जो आपको बताना है वो है भारत पर अधिकार करना। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि अरब लोग भारत पर अधिकार करना चाहते थे। सीरिया, फिलिपिस्तीन और ईरान आदि प्रदेशों को जीतने के बाद वह भारत को जीतना चाहते थे। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण था इस आक्रमण का, वो था इस्लाम धर्म का प्रचार। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अरब लोग भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। पैगंबर और खलीफा हमेशा अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते थे कि दूर के देशों में जाकर इस्लाम का प्रचार करें। भारत हिंदुओं का देश था, इसलिए यहाँ आक्रमण के से ही इस्लाम धर्म का प्रचार किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट में आपको प्रभाव अच्छे से डिस्कस करना है, प्रभाव अच्छे से बताना है। तो पहला जो प्रभाव पड़ा इस आक्रमण का, वो था राजनीतिक प्रभाव। अरबों के आक्रमण का राजनीतिक क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय राज्यों के शासकों ने इसे स्थायी आक्रमण स्वीकार किया और कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पंजाब की स्वतंत्रता पहले की तरह बनी रही। फलस्वरूप तुर्क भारत में अपना स्थायी राज्य नहीं स्थापित कर सके। हाँ, इससे भारत की राजनीतिक दुर्बलता का भेद खुल गया और तुर्कों के लिए आक्रमण करना आसान हो गया। नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ा वो था आर्थिक प्रभाव। अरबों की सिंध विजय का देश पर कुछ आर्थिक प्रभाव पड़ा। अरबों के शासनकाल में सिंध प्रांत एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। भारत के मुस्लिम देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। अरब लोग बहुत सा धन अर्जित करके अपने साथ ले गए। नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र में अरब विजय व्यर्थ और निष्फल सिद्ध हुई। जाति प्रथा के कारण हिंदू लोग अरबों से अधिक संपर्क में नहीं आए। आगे चलकर कुछ सामाजिक और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए, फिर भी अरब लोग भारतीयों की भाषा, परंपरा, रिवाज आदि को प्रभावित नहीं कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट और प्रभाव पड़ा वो था धार्मिक प्रभाव। अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। वह अपने उद्देश्य में काफ़ी सीमा तक सफल रहे। यहाँ अनेक लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ा वो था सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय सभ्यता और संस्कृति अरब सभ्यता की अपेक्षा अधिक विकसित थी, इसलिए अरब सभ्यता भारतीय सभ्यता को प्रभावित ना कर सकी। उसके विपरीत अरबों ने भारतीयों से बहुत कुछ सीखा।
लास्ट में आपको एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखना है। विदाउट परिचय और निष्कर्ष आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये दो पॉइंट आपको अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करने हैं। तो इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको निष्कर्ष कुछ इस तरह से लिखना है कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। जहां इस युद्ध के विभिन्न कारण थे, वहीं इसका भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट आंसर प्रोवाइड किया है। आपको बस इन पॉइंट को अच्छे से पढ़कर जाना है, अच्छे से समझकर जाना है, और आप अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।